Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda audio article. आज हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में कितना एरिया प्लॉट देने की अनाउंसमेंट की है, तो इसका आंसर है 60 स्क्वायर मीटर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट देने की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने की ज़मीन नहीं है, उन्हें ज़मीन दी जाएगी। ये ज़मीन मैरिड कपल को दी जा रही है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का जॉइंट नाम होगा। इनकम टैक्स पेयर और गवर्नमेंट सर्वेंट इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे। प्लॉट के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्लॉट में बेनिफिशरीज को गवर्नमेंट स्कीम और बैंक से लोन भी मिल सकेगा। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो इसका आंसर है रेनू गुप्ता। रेनू गुप्ता जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया है, उन्हें ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने वर्ल्ड के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों बात करें साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जी इन। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली पहली कंट्री है साउथ कोरिया। वर्ल्ड का पहला टॉयलेट थीम पार्क सिवॉन कोरियन सिटी में खोला गया है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। हाल ही में कंट्री में अपना फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रखना है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट रो ताए वू की डेथ हुई है, ये साउथ कोरिया के थे, इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में न्यूज़ में रही क्वीन हुआंग हुआंग ओके मेमोरियल पार्क इंडिया में बनाया गया है। ये इंडिया के अयोध्या के सरायू नदी के किनारे बनाया गया है। ये क्वीन हुआंग ह्यूंग ओके साउथ कोरियन क्वीन है, उनकी याद में। इंडिया और साउथ कोरिया ने अयोध्या और गिमहाहे सिस्टर सिटीज़ को डेवलप करने की एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया का अयोध्या में राम कथा पार्क को रिनोवेट करके कोरियन क्वीन हुआंग हुंग ओके के नाम पर रख दिया गया है, जबकि इंडो कोरियन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं साउथ कोरिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए किस कंट्री गए हैं, तो इसका आंसर है इटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए इटली गए हैं। दोस्तों ये G20 की 16th मीटिंग रहेगी। बात करें इटली की, तो इसकी कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर रिवर के किनारे बसी है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सेरिगियो माटारेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्राही। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ये MPPSC में पूछा जा चुका है। दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए इटली के साथ MOU साइन किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इटली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में डिफेंस कॉपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल में डिफेंस कॉपरेशन के लिए इंडिया के साथ टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। दोस्तों बात करें इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है यहाँ के इसाक हेजरोग, प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट। इसराइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है।
हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। चर्चे में रहा अल अक्स मस्क जो कि जेरूसलम में है, इसका नाम याद रखिएगा, यहाँ इजराइल फोर्स और फलस्तीन के लोगों के बीच में क्लैश देखने को मिला था। इजराइल के एक गली का नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के सबसे बड़े एरोमिक गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंडिया का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन बनाया जा रहा है दोस्तों। उस बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है यहाँ की गढ़सेन, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह, लोकसभा सीट है यहाँ की 5 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 3। टेहरी डैम, मनेरी डैम, विष्णुगढ़ पीपलकोटी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, रूपकुंड लेक जो कि मिस्ट्री लेक के नाम से फेमस है ये उत्तराखंड में है, नैनीताल को डिस्ट्रिक्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है, चिरबासा में ब्लैक कार्बन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, डॉली गंगा रिवर जहाँ पे फ्लड देखने को मिला था ये उत्तराखंड में है, फूलदोई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। करंट की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेंस का इनॉग्रेशन उत्तराखंड में हुआ, इंडिया का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया, इंडिया का पहला लाइकेन पार्क, पहला पॉलिनेटर पार्क, पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में खोला गया, छोटे जानवर के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया, इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट हर्बल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है और इंडिया का सबसे बड़ा पामट्टम उत्तराखंड वन में बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के बारे में। साथ ही दोस्तों, अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो इंडिया और यूके के बीच हाल ही में हुई थी वो उत्तराखंड में हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में आलोक अमिताभ दिमारी को किस कंट्री में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है ब्रुनोई। ब्रुनोई में आलोक अमिताभ दिमारी को हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है दोस्तों। बात करें ब्रुनेई की, तो इसकी कैपिटल है बांडेर सेरी बेगावन, करेंसी है यहाँ की ब्रुनेई डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के क्रिकेटर एलन डेविडसन की डेथ हो गई है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एलन डेविडसन की डेथ हो गई है दोस्तों। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्ण की डेथ हो गई है, वे कौन थे, तो इसका आंसर है कैंसर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर माधवन कृष्ण एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, इनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर माधवन कृष्णन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा, तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 पर में टॉप पर रहा है। बात करें कर्नाटका की, तो इसकी कैपिटल है बैंगलोर, चीफ मिनिस्टर हैं बसावरज बोमई, गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, लोकसभा सीट है यहाँ की 28 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 12। पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टॉवर बैंगलोर में बनाया जा रहा है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटका में बनाया जा रहा है, 13th एरो इंडिया 2021 का आयोजन बैंगलोर कर्नाटका में हुआ, रेनेबेनूर ने वुड प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है, ऐप मित्र ऐप मेघा संदेश ऐप कर्नाटका का है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में बनाया जा रहा है, अलमट्टी डैम, कृष्ण सागर डैम, मालप्रभा प्रोजेक्ट कर्नाटका में है,
मलई महदेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। नगरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटका में है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। चिकमंगलूर एक मसाला पार्क कर्नाटका में खोला गया है। कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में है। जीआई टैग जो कर्नाटका को मिले हैं वो है गुलबर्ग टूर और बूढ़ागिरी कॉफ़ी को। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड थिफ्ट डे यानी कि विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थिफ्ट डे यानी कि विश्व बचत दिवस मनाया गया है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जय।